एसएस जैन सभा मजलिस पार्क आदर्श नगर द्वारा आज शासन प्रभावी का उप प्रवर्तनी महासाध्वी पूज्य अग्रणी श्री कैलाशवती जी महाराज की 95वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गुणगान महोत्सव एवं सामाजिक दिवस शासन दीपिका महासाध्वी श्री समता जी महाराज प्रज्ञा शर्मणी महासाध्वी डॉक्टर शिवाजी महाराज शासन ज्योति महासाध्वी श्री सुभाजी तप रश्मि महासाध्वी श्री भविका जी सेवा भावी महासाध्वी श्री राधिका के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन राजपाल जैन द्वारा किया गया। उन्होंने अलग अलग जगह से आए साधकों का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान वैरागन मोहिनी सुशील जैन दीपक जैन सोनू जैन व अन्य ने भजन के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए और गुरुणी को याद किया। ना कोई चिंता ना कोई डर हो तुम सामने जो गुरुवर हो। ना कोई चिंता ना कोई डर हो तुम सामने जो गुरुवर हो। तेरा नाम लेकर मैं चल पड़ो सो चाहे कितनी कठिन डगर हो। विघन पड़ा कोई विघन उत्सव आज मनाएंगे। आया है जन्मदिन गुड़िनी का हम उत्सव आज मनाएंगे। आया है जन्मदिन गुड़िनी का हम उत्सव आज मनाएंगे। धरती अंबर पे खुशियां है धरती अंबर पे खुशियां है हम हैप्पी बर्थडे गाएंगे। धरती हम पर पे खुशियां हैं हम हैप्पी बर्थडे गाएंगे। आया है जन्मदिन गुड़िनी का हम उत्सव आज मनाएंगे। इस दौरान साधकों द्वारा मंगलकारी आचार्य शिव दरबार प्रवर्तक सुभद्र दरबार गुरुनी कैलाश दरबार गुरुनी कुसुम दरबार गुरुनी ओम दरबार गुरुनी शक्ति दरबार का अनावरण किया गया। ध्वजारोहण राम गोपाल जैन द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधान निशिकांत जैन कैशियर नीरज जैन महामंत्री विकास जैन व अन्य पदाधिकारियों ने अलग अलग जगह से आए श्रावकों का पटका पहनाकर व गिफ्ट देकर स्वागत किया और सभी का जन्म जयंती कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। तो अवसर हमें प्रदान किया जो आज हम सब मिलकर के बड़े हर्ष के साथ मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे बीच में अनेक जगह से शीर्षक उपस्थित हुए हैं। नरेला मंडी श्री संत स्वतंत्र नगर नरेला श्री संत रानी बाग श्री संत भिवानी श्री संत व और भी अनेक जगह से भाई बहन आज इस अवसर पर पधारे हैं।
मैं अपने शीर्षन की ओर से सभी का हृदय कसीम गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस दौरान रश्मि महासाध्वी श्री भविका महाराज जी और प्रज्ञा शरमणी महासाध्वी डॉक्टर शिवा महाराज जी ने गुरुणी कैलाशवती महाराज के जीवन में घटित समाज को बदलने वाले चमत्कारिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए श्रावकों को धर्म के रास्ते पर चलकर जीवन सफल जीने का आह्वान किया। मेरे बंजरों के जीवन में पुष्प खिलाने वाली, मेरी दशा को बदलकर मुझे दिशा देने वाली पूज्य गुरुणी वरिया के महाराज श्री जी के पावन चरण पदों में कोटि कोटि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु माताओं एवं बहनों, सभी अपने मन के उद्गार गुरुणी जी महाराज के विषय में रख रहे हैं, लेकिन कहा जाता है जिसके जीवन के अंदर सदगुरु की प्राप्ति नहीं वह इंसान इस संसार समुद्र में भटकता रहता है। जिस इंसान के जीवन में गुरु आ जाते हैं उस इंसान का जीवन सुंदरमय स्वच्छ बन जाता है, क्योंकि इस संसार से निकालने वाले ही गुरु है। और जो मेरी दाद पुण्य वरिया महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज है, उन्होंने तो इतनी साधुओं को घर बार से निकालकर इस साधना के महामार्ग पर आकर्षित किया। उनकी एक ही बात होती थी, साधुओं तुम अपने इस संयम जीवन का अच्छे से पालन करना, इस संयम को संभाल कर रखना, क्योंकि जिस प्रकार असली चंदन का मिलना मुश्किल है उसी प्रकार इस साधु भाव का भी हर भाव में बहुत ही मिलना कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए मेरी दाद गुरुणी वरिया की जितनी भी कहानियां सुनाई जाए वह बहुत ही कम है, लेकिन मुझे मेरी मासी गुरुणी श्री शिवा जी महाराज ने बहुत थोड़ा सा समय दिया है, लेकिन उसने भी मैं अपनी दाद गुरुणी वरिया महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो कि अभी दीक्षा लिए हुए भी कुछ दिन हुए हैं और वहाँ विचरण करते करते किसी ग्राम के अंदर रुकना हुआ जहाँ पर रुके हुए हैं। अब दाद गुरुणी वरिया श्री धन देवी जी महाराज ने दाद गुरुणी वरिया महासाध्वी श्री कैलाशवती जी को कहा, जाओ और तुम पानी लेकर आओ। और गुरुणी जी महाराज पानी लेने के लिए एक घर में गए हुए हैं। देखिए वहाँ पर क्या घटना घटी हुई है, सात परिवारों के अंदर एक इकलौता बच्चा है, वह बालक अपने प्राणों को त्याग चुका है, परिवार के सब लोग अश्रु धारा बह रहे हैं। देखिए चाहे माँ बाप के कितने भी संतान क्यों न हो, लेकिन उसके जाने का तो हर किसी को दुख होता है, लेकिन जिस सात घरों में इकलौता बेटा हो उसमें तो कैसा मातम छाया होगा। और अचानक से गुरुणी जी महाराज का भी उस घर में जाना हुआ। महासाध्वी श्री शुभा जी महाराज एवं मेरे जीवन निर्मात्री पूज्य गुरुणी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, आज गुरुणी मैया की हम जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं कुछ कहूँ उससे पूर्व दो पंक्तियां भजन की गुनगुनाएंगे, आप सभी भी मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है, जन्म जयंती का ये लाभ उठाया है।
हिसार शहर के अंदर प्रातः स्मरणिया पूजा पूर्णी महासाधवी श्री धन देवी जी महाराज वहां पर क्या करें पधारे और वह कन्या भी माता पिता के साथ गुरु दर्शन और गुरु प्रवचनों के लिए आने लगे। बड़े गुरुजी जी महाराज के चेहरे को देखा और वो उनका चुंबकीय आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच लाया। माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मैं भी गुरु चरणों में जाना चाहती हूँ। जब माता पिता ने ये बात सुनी तो दिल क्या हो गया, आपका भी उदास होता है, दिल उदास हो गया। वो माता पिता कहने लगे, नहीं बच्ची, तुम अभी छोटी हो, तुम संयम के मार्ग को किस प्रकार से जान पाओगी, नहीं हम तुम्हें शिक्षा किया क्या नहीं देंगे। लेकिन जब माता पिता ने मना कर दिया, वो कन्या नित्य प्रतिदिन स्कूल में जाया करती थी, लेकिन स्कूल में ना जाकर के वो चोरी चोरी कहाँ जाने लगी, स्थानक में जाने लगी। माता पिता को नहीं पता है स्कूल के टीचर अध्यापक ने घर पर क्या करी, शिकायत करी कि तुम्हारी बच्ची कहाँ नहीं आ रही, स्कूल में नहीं आ रही। माता पिता हैरान हो गए कि अरे बच्ची टाइम से घर पर जाती है, अरे ये स्कूल नहीं जाती तो कहाँ जाती है। पता लगाया तो पता चला कि ये तो कहाँ जाती है, स्थानक में जाती है। तो माता पिता ने अब स्कूल जाना भी क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। लेकिन उनके मन के अंदर एक तर्क है, एक लगन है कि किसी ना किसी तरीके से मैं क्या हो जाऊं, गुरु चरणों में पहुंच जाऊं। कहते हैं जिसके मन के अंदर सच्चा वैराग्य होता है वो कभी भी घर पर ठहर नहीं सकता। वैराग्य भी कई प्रकार का होता है, अगर मैं सब डिटेल बताने लग जाए तो समय भी क्या हो जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। तो इस प्रकार से माता पिता ने उस बच्ची का स्कूल में जाना और स्थानक में जाना बंद करवा दिया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए महामंत्री विकास जैन ने आज के कार्यक्रम के बारे में बताया और अलग अलग स्थानों से आए श्रावकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। आज हमारे यहाँ कैलाशपति कुन्नी जी महाराज का 95वां जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें दूर दूर से लोगों ने भाग लिया, पंजाब, पानीपत, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मतलब सभी जगहों से लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे हमारी कार्यकारिणी मलिस्पार राजेंद्र सिंह संघ ने सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी यहाँ मौजूद थे, ज्यादा से ज्यादा संख्या काफी आदमी आए थे और उन्होंने धर्मप्रमाण जी ने सबको एक ही संदेश दिया, उन्हीं के मार्गों पर चलने का संदेश दिया, सभी ने उन्हीं के मार्गों पर चलने का संकल्प लिया और आगे भी वो हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी और आगे भी यहाँ पधारती रहेंगी। सभी का आने वाले सभी का हम धन्यवाद करते हैं, प्रधान ऋषि गांधी की तरफ से, कैशियर हमारे निजी ऋषि की तरफ से, सभी श्री संघ की तरफ से हम सबका धन्यवाद करते हैं। जगत महान न्यूज के लिए दिल्ली से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।